Hello students and my dear friends, I hope you all are fine. My name is Jyoti Agarwal. Welcome to my new YouTube channel, Jyoti Education Center. Through this channel, I want to utilize my skill for the better development and future of the students. I will mainly focus on the subjects of Math, Science and English Grammar, which will be very helpful for school-going children and for those who are preparing for various competitive exams like Bank PO, SSC, etc., etc. So, are you ready? Let's start. I am starting my first topic from the most important topic of English grammar, which is tense. So, आइए पढ़ते हैं tense के बारे में. मैंने ये topics के लिया है क्योंकि जितनी भी mistake करते हैं या mostly जो mistake करते हैं English speaking में, वो हम tenses की knowledge के बिना या tenses के knowledge कम होने की वजह से ही करते हैं. क्योंकि tenses हमें sentence कैसे form करना है ये बताते हैं या कौन सा काम कब हो रहा है ये बताते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं tenses होते क्या हैं. Tense is a form of verb which describes the time of verb or action to be done. यानी कि जो भी हम डेली ना कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो जो वो वर्क कर रहे हैं उसका टाइम क्या है, वो किस टाइम पर हो रहा है, वो बीत चुका है, आने वाला है या अभी चल रहा है, इस सब की इंफॉर्मेशन हमको देता है टेंस. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा भी है विच डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ वर्क. ठीक है, और टाइम ऑफ वर्क. ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यानी कि मैं इधर लिख देती हूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पर. और मैंने इधर लिखा भी है टेंसेस डिस्क्राइब थ्री कैटेगरीज ऑफ टाइम. अब देखिए अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट जो भी करंट होता है, वर्तमान. ठीक है, अगर हम इसके पीछे की साइड जाते हैं तो हमको कौन सा टाइम मिलता है, पास्ट, यानी कि जो बीत चुका है. और अगर हम इससे आगे की तरफ जाते हैं तो हमको कौन सा मिलता है, फ्यूचर, यानी कि आने वाला कल. ठीक है, जब हम कुछ काम करने का सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे इस टाइम से, तो थ्री टाइप के टेंसेस हो गए. लेकिन एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बोलते हैं देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ कि हाउ टेंसेस आर कैटेगराइज इनटू 12 टाइप्स. कैसे टेंसेस को कैटेगराइज किया, सपोज मैं प्रेजेंट, मैंने कोई भी एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, मैं आपको उसके डिफरेंट एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, सपोज मैं डेली का अपना रूटीन बताती हूँ. आई डेली वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. मैं मॉर्निंग में कितने बजे उठती हूँ, 5 o'clock. तो ये भी मेरा प्रेजेंट हो गया ना, मैं डेली करती हूँ. ठीक है, उठती हूँ. ठीक है, अभी मैं करेंटली क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग. या फिर कोई रिसेंटली मैंने जस्ट वर्क किया है तो मैं क्या करूंगी, ओ आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है. लेकिन ये तीनों ही प्रेजेंट है. ठीक है, ये तीनों ही प्रेजेंट है, मतलब एक टाइम को मैंने कितने तरह से एक्सप्लेन कर लिया, जितने जितने सेंटेंस को उतनी तरह से मैं करती गई हूँ. तो क्या सिर्फ टाइम के बेस पर ही डिवाइड कर सकते हैं, नो. ये जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिए थे ये होते हैं टाइम की स्टेट्स, यानी टाइम भी स्टेट्स में डिवाइड हो सकते हैं. सिर्फ प्रेजेंट टेंस को भी हम कितनी स्टेट्स में रख सकते हैं, पास्ट टेंस को भी हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, फ्यूचर टेंस को भी हम कितने तरीके से बोल सकते हैं. तो इसीलिए हमारे जो टेंसेस है वो 12 टाइप्स के बोले जाते हैं, क्योंकि हर टेंस जो टाइम के बेस पर हमने डिवाइड किया है तीन टेंस, उसमें से हर टेंस को हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बेस पर रखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड ईच टेंस हैज इट्स 4 स्टेट. तो हम स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, परफेक्ट. इधर परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड, जो वर्क हमने फिनिश कर लिया है, इधर परफेक्ट उसको बोलते हैं. जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, आई हैव कुक्ड द फूड. ठीक है, अब मैंने क्या बोल दिया इसमें, मैं खाना बना चुकी हूँ, मतलब मेरा वर्क क्या हो गया, फिनिश हो गया. या फिर आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ. तो मैं इसमें क्या बात कर रही हूँ, वर्क के फिनिश होने की, केवल वर्क के फिनिश होने की. मैं इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं कर रही,
टाइम का कि मैंने कब से स्टार्ट किया, बस मैं ये बता रही हूँ कि मेरा काम हो चुका है, यानी परफेक्टली मैंने अपना काम कर लिया है, अपना काम फिनिश कर लिया है. इट मीन्स इट शोज द कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसलिए मैंने इसमें लिखा है. जो परफेक्ट सेंटेंसेस, जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, मतलब ऐसे एक्शन जो शो करते हैं कंप्लीशन ऑफ वर्क, उनको हम रखते हैं परफेक्ट स्टेट में. नंबर सेकंड, कंटिन्यूअस स्टेट. अच्छा, इसके नाम में ही क्या है, कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब विच इज गोइंग ऑन, कंटिन्यूअस जो अभी चल रहा है, करेंटली जो अभी चल रहा है. जैसे किसी ने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं क्या कहूंगी, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और अभी मैं इस टाइम यही कर रही हूँ. कोई आपसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप लोग क्या कहोगे, वी आर स्टडी, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं. तो जो वर्क क्या है, इस समय चल रहा है करेंटली, लेकिन इसके फिनिश होने की मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. मैं कब तक पढ़ाऊंगी या मैं अपना वर्क कंप्लीट करूंगी या नहीं, कि क्या शो करता है, इनकम्प्लीटनेस. इनकम्प्लीटनेस शो कर रहा है ना, मैं भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है ना जितना मुझे पढ़ाने में अभी पढ़ा हूँ, करेंटली मैं क्या कर रही हूँ, जितना मुझे पढ़ाने में अभी पढ़ा लू. और जरूरी नहीं है मुझे जैसे सपोज वर्क अभी ही फिनिश कर लू, लेकिन मैं इसमें सिर्फ करेंटली मैं अभी पढ़ा रही हूँ, डेट्स ओके. तो दिस सेंटेंस शो द इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क, इसलिए मैंने लिखा है कि ऐसे सेंटेंसेस को कंटिन्यूअस स्टेट में रखते हैं विच शोज इनकम्प्लीशन. नेक्स्ट स्टेट आती है आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट. अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस करी, ये परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूअस भी, दोनों से मिलके बना है, तो मतलब इसमें परफेक्शन भी शो हो रहा है और कंटिन्यूटी भी. मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. मैंने अभी आपको कंटिन्यूअस में बताया था जो मैं करेंटली कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू. अगर मैं इसको ऐसे ना बोलूं और थोड़ा सा मैं अपने टाइम की इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं स्टार्टिंग टाइम की इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैंने कब से स्टार्ट किया है, या फिर मेरे सेंटेंस में शो लाइक आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, उसमें मैंने केवल क्या बताया था, आई एम टीचिंग, ओनली मैं पढ़ा रही हूँ करंट, लेकिन इसमें मैंने टाइम भी डिफाइन कर दिया, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स. तो फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से मैं पढ़ा रही हूँ, यानी जो मेरा 2 आवर्स वाला वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है अब, बट माई वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. तो सपोज इस समय 7 o'clock हो रहे हैं, तो आप क्या समझ जाओगे, मतलब मैम जो है वो 5 o'clock से पढ़ा रही है, 5 o'clock से मैं पढ़ा रही हूँ, 7 o'clock में ही बात कर रही हूँ, मैं 2 आवर्स से पढ़ा रही हूँ, तो 5 o'clock से मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन इसमें मेरा 2 आवर्स का वर्क कंप्लीट हो चुका है, परफेक्टली मैंने 2 आवर्स का कंप्लीट कर लिया है. लेकिन इसे केवल परफेक्ट स्टेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा वर्क तो अभी भी चल रहा है और कब तक चलेगा ये मुझे पता नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है. तो जो मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट. और जो मेरा वर्क अभी भी कंटिन्यूटी में है, माय वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्टेट. इसलिए ये दोनों से मिलकर बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पार्टली कंप्लीटेड. मेरा जो वर्क कंप्लीटेड हो गया है उसके लिए मैंने लिखा है पार्टली कंप्लीटेड, और पार्टली इनकम्प्लीटेड अभी भी मेरा वर्क कंटिन्यूएशन में है, अभी भी मेरा वर्क चल रहा है, कब तक चलेगा, कितना मैं पढ़ाऊंगी ये मुझे पता नहीं. तो पार्टली इनकम्प्लीटेड, तो उस स्टेट में दोनों ही चीज आ गई, हाफ परफेक्शन आ गया और हाफ कंटिन्यूटी आ गई. इसलिए ऐसी सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट में रखेंगे, एंड विच शोज पार्टली कंप्लीटेड एंड पार्टली इनकम्प्लीटेड. लास्ट हमारी स्टेट आती है इंडेफिनिट. अच्छा, डेफिनिट मतलब तो पता है निश्चित हो, और जो निश्चित ना हो उसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट. जैसे मैंने इंडेफिनिट स्टेट, सपोज मैंने आपको कोई अपना रूटीन बताया, आई डेली वेक अप एट 5 o'clock, मैं डेली कितने बजे उठती हूँ, 5 o'clock, और आई कैन एट इन द मॉर्निंग, या आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. सपोज मैं 5 o'clock उठती हूँ मॉर्निंग, तो ये मेरा रूटीन है, ठीक है, और मैं इस वर्क को क्या कर रही हूँ, डेली करती हूँ, सपोज कल भी किया आज भी किया. तो इसमें आप एक चीज नोटिस करिए, मैंने इसमें एक तो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी, मतलब मेरा वर्क जो है वो कंप्लीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो हो सकता है आगे 5 इयर्स तक भी रहे, आगे 10 इयर्स तक भी हो, 15 इयर्स तक भी हो, ठीक है. ये मैं डेली काम करती हूँ,
करती हूँ, तो मैं इसको ये भी नहीं बोल सकती कि मेरा वर्क कंप्लीट हो गया। आगे भी होगा ना, वो कल भी होगा, परसों भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद और मैं क्या नहीं कह सकती कि मेरा वर्क इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब भी मैं बोल रही हूँ, सपोज अभी आफ्टरनून है तो मेरा वर्क कंप्लीट भी हो चुका है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ ना, तभी मैं कोई एक्टिविटी कर पा रही हूँ पूरे दिन की, तो मेरा वर्क कंप्लीट भी हो गया है और आगे भी मेरा मुझे वर्क करना है, तो मेरा वर्क इनकम्प्लीट भी है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नीदर कंप्लीटेड नॉर इनकम्प्लीटेड, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस को हम रखते हैं इंडेफिनेट स्टेट में, और ये क्या शो करते हैं कि वर्क ना तो हम ये बोल सकते हैं कंप्लीट हुआ है और ना हम ये बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट हुआ है, क्योंकि वो हमारा डेली होता है तो वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, हमें डेली करना है। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो हो गया, आज का तो वर्क हो गया ना मेरा, और आगे भी चलेगा, डेली चलता है, पर मेरे को टाइम नहीं पता, मुझे टाइम नहीं पता, मतलब टाइम पता है 5 o'clock, लेकिन इस टाइम जब मैं बोल रही हूँ वो वर्क मैं नहीं कर रही, इस टाइम में ये वर्क नहीं कर रही, तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता और परफेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा वर्क फिनिश नहीं हुआ कि एक बार मैंने कर लिया मैं कह दूं मेरा वर्क फिनिश हो गया, मुझे आगे करना ही नहीं है। इसलिए ऐसी स्टेट का नाम होता है इनडेफिनेट, जिसमें ना तो हम कंप्लीशन का बोल सकते हैं वर्क के, ना हम इनकम्प्लीशन का। सो अब आप क्या बोलोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देयर आर 3 types ऑफ टेंसेस एंड ईच टेंस इट्स कैटेगराइज्ड इनटू 4 categories, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनडेफिनेट, यानी कि हमारे 12 टेंसेस कैसे बने, 3 times into 4 states जो कि अभी हमने पढ़ा है, इसके इज इक्वल टू 12 tenses। तो अब आपको समझ आ गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से ही 12 टेंसेस कैसे बने इन स्टेट के बेस पर। अब अगर कोई आपसे पूछे तो अब आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हमारे 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, एक बार फिर से मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 1 by 1 टेंसेस को डिस्क्राइब करूंगी, मैं हर टेंसेस की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सपोज 12 टाइप्स के टेंसेज हैं तो मैं 12 टाइप्स की वीडियोज बनाऊंगी, टेंस में डिफिकल्टीज आएगी आप उसी टेंस की वीडियो ओपन कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने ट्राई किया है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। We'll meet in next session. Till then, bye bye. Take care.